हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई हो अच्छे ही होंगे। मैं हूँ सुमन, सुमन की रसोईयन। लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, पता है, बहुत ही हेल्दी मटर और मखाने की शाही सब्जी। चलिए बनाते हैं और खाते हैं। कोई आपके घर मेहमान आ जाए तो आप बनाइए झटपट और खिलाइए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी है। और चलिए बनाते हैं। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर से जरूर दबा दीजिएगा। जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी, इसलिए आपकी एक लाइक मुझे बहुत ही प्रभावित करता है कि मैं नई नई वीडियो, नई नई रेसिपी लेके आऊँ आपके लिए। तो इसलिए लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर दें, कोई शुल्क नहीं है उसके। तो चलिए बनाते हैं। ये आपको देख के पता तो चल ही गया होगा। चलिए आज बनाते हैं। शाही मटर मखाने की सब्जी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाते हैं। देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, होटल जैसा बिल्कुल नहीं बनेगा। वहाँ ज़्यादा तेल मसाले पड़ते हैं, मैं कम तेल में और हेल्दी और टेस्टी, आपको पता ही है मेरे किचन में हेल्दी और टेस्टी बनती है। बिल्कुल इजी रेसिपी बनती है, घर के चीज़ सामानों से। तो चलिए देखिए, ये हमने दो बड़े साइज के प्याज काट के बड़े बड़े टुकड़े ले लिए हैं, और दो टमाटर भी हमने काट के ले लिए हैं, 4 से 5 हरी मिर्च, अदरक के टुकड़े और लहसुन की कलियाँ, वही 5-6 ये हमने ले लिया है। और ये है मैंने 8-10 काजू कच्चे दूध में भिगो के रख दिया था आधा घंटा पहले ही, देखिए। और हमने मटर के दाने लिए हैं छिलके, फ्रेश मटर है, बिल्कुल ताज़े आ रहे हैं मार्केट में। और ये है मखाने। तो सबसे पहले मैं इसको, आप चाहो तो इसमें तेल डाल के, जीरा डाल के आप फ्राई कर सकते हो 5 मिनट के लिए, लेकिन मैं सबसे इजी बिल्कुल हेल्दी रेसिपी बताती हूँ, तो इसलिए सबसे पहले मैं इसको कुकर में डालूँगी सारे को एक साथ। ये कुकर में डाल के मैं थोड़ी सी पानी डालूंगी, आप देख सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालूंगी। इसको मैं ढक के रख देती हूँ 5 मिनट के लिए, जब तक कि, या तो आप एक सीटी दिला लो या तो 5 मिनट के लिए, 5 मिनट में तो एक सीटी दे ही देगा। और इसको मैं ढक के चढ़ा देती हूँ गैस पे। मैंने ढक के रख दिया, मटर के दाने मैं धुल लेती हूँ। और सबसे पहले मैं मखाने को इसमें देखती हूँ, मखाने क्या होता है, दुकान पे भी बहुत दिनों से रखा रहता है तो इसको आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए कि इसमें कीड़े भी रहते हैं, तो कीड़े ना हो इसमें, ये काले वाले निकाल देंगे। देखिए बिल्कुल फ्रेश है, तो आप इसको एक बार एक दो मखानों को आप ज़रूर इस तरीके से चेक कर लीजिएगा, जो फ्रेश होगा तो होगा, नहीं तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी घुन बैठे रहते हैं, कभी कीड़े बैठे रहते हैं, तो इस तरीके से अच्छे से हम देख लेंगे। आप चाहो तो 2 टुकड़े करके बना लीजिए या तो पूरे ही ऐसे ही बना लीजिए, देखिए बिल्कुल फ्रेश है, तो इसलिए इसको देखना ज़रूरी है। और मखाने अपने आप में हेल्दी भी बहुत है, हेल्दी है, कैल्शियम की कमी भी पूरी करता है, तो इसलिए मखाने को तो आप डेली रूटीन में लें तो डेली तो नहीं हो पाता, लेकिन आप जब भी आपको फुर्सत मिले आप मखाने की सब्जी बना के खाइए, मखाने तल के खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, हेल्दी होता है बच्चों के लिए भी। तो इसलिए इस तरीके से हम देख लिए, मखाना मेरा बिल्कुल साफ है, तो आप भी ज़रूर देखिएगा मखाने को, चेक करिएगा इस तरीके से, देखिए बिल्कुल साफ है। चलिए देखते हैं कुकर खोल के, देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब मैं इसको निकाल देती हूँ ठंडा होने के लिए, गरम नहीं पीसूंगी, नहीं तो मिक्सी में जल जाएंगे, इसलिए जब भी इसे निकाल के ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद नॉर्मल हो जाए तो फिर मैं इसको पीस लूँगी, पीस के पेस्ट बना के इसका और काजू का
दोनों का पेस्ट बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए पानी इसका रहने देते हैं, काम आएगा इसलिए, अब इसको ठंडा होने देते हैं। तब तक मैं काजू का पेस्ट बना लेती हूँ और मैं इसमें काजू डाल देती हूँ। इसका अच्छे से पेस्ट बना लेती हूँ थोड़ा सा दूध डाल के। देखिए हमने दोनों पेस्ट बना लिया है, ये भी हमने पीस लिया है, ठंडा हो गया था जल्द, आजकल तो ठंड हो रही है तो जल्दी ठंडा हो जाता है। एक काजू का पेस्ट हमने बना लिया है। चलिए अब सब्जी बनाने बताते हैं फटाफट, आप भी देखिए। हेल्दी सब्जी बनानी है तो मैं तेल में नहीं बनाऊंगी, बटर में बनाऊंगी। आप चाहो तो घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि आधा बटर ले लेती हूँ, आधा मैं घी ले लेती हूँ थोड़ा सा। आप चाहो तो तेल में भी बना सकते हैं, बिल्कुल हेल्दी रेसिपी है, बनाइए। देखिए थोड़ा सा मैंने घी थोड़ा सा बटर हमने डाल दिया है, इतने में ही बनाएंगे। देखिए बटर और घी हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच जीरा। और एक पिंच हींग, ठंडी का टाइम है, हींग जरूर डालना चाहिए। और सब्जी में मैं डालती हूँ हर सब्जी में। अब मैं इसमें डालूंगी एक छोटे छोटे बारीक प्याज मैंने काट रखी हूँ, और एक हरी मिर्च, पहले हरी मिर्च डालूंगी फिर प्याज डालूंगी। प्याज को हल्का सुनहरा होने तक इसे भून लूंगी। मैंने आयरन की कढ़ाई में बना रही हूँ। आयरन हेल्दी सब्जी है और आयरन की कढ़ाई में बनाना सबसे हेल्दी होता है। पहले लोग आयरन की कढ़ाई में ही बना के खाते थे, अब नए नए फैल गए, इसीलिए पहले के लोग स्वस्थ ज़्यादा रहते थे। अब देखिए कितनी बीमारियाँ हो गई, इसलिए सब्जी जब भी बनाएं खास करके, या तो मैं कुकर में बनाती हूँ या तो आयरन की कढ़ाई में बनाती हूँ। देखिए आपको हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है तो आप आयरन की कढ़ाई में, और टेस्टी भी लगती है आयरन की कढ़ाई की सब्जी, टेस्टी भी लगती है, तो इसलिए जब भी आप बनाएं आयरन की कढ़ाई में ही बनाएं। देखिए प्याज हमारा होने लगा है, देखिए प्याज हो गया है। गैस का फ्लेम हमारा मीडियम है, अब इसमें डालूंगी मैं ये जो पेस्ट बना के रखी हूँ ये डालूंगी इसको। ये तो भुना भुनाया है, ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हेल्दी सब्जी है और ईजी भी है। आपके पास बटर नहीं है तो आप घी में भी बना सकते हैं, घी नहीं है तो सरसों के तेल में भी आप बना सकते हैं। मसाला डालते समय गैस का फ्लेम मैंने कम कर दिया था, अब मीडियम कर दूंगी। अब इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर, मसाले के साथ साथ हल्दी पाउडर डालूंगी, भून जाएगा। और थोड़े से डालूंगी सब्जी मसाले, हरी मिर्च मैंने डाला है इसलिए लाल मिर्च नहीं डालूंगी। ये सब्जी मसाले घर के मसाले हैं, घर पे हमने घर पे ही मसाले में बनाती हूँ, मार्केट का नहीं लाती हूँ। खड़े मसाले लाके घर पे ही पीस के बना लेती हूँ। अब इसको मसाले भूनूंगी, इसी में डालूंगी कलर के लिए डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, जो तीखी नहीं है, कश्मीरी लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च एक चम्मच। कलर बिल्कुल परफेक्ट आएगा, देखिए
अब इसी में डालूंगी मैं जो मटर हमने धुल के रखा है साफ करके, इसी में मटर डालूंगी। मटर भी मसालों के साथ अभी थोड़ी देर और भुनेंगे, मसाले के साथ मटर भी भुन जाएंगे, पक जाएंगे अच्छे से। इसको मैं ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए। देखिए हमने एक चीज में भूल गई थी, सॉरी, ये है तेज पत्ता, पहले ही डालना था, मसाले के साथ ही भुन जाएगा, पहले ही डालना था मुझे, रखी थी बगल में लेकिन ध्यान ही नहीं रहा, भूल गई। इसमें खुशबू और फ्लेवर दोनों अच्छे आएंगे, जीरा के साथ ही डालना था, थोड़ी देर और भुनेंगे। इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा का नमक डाल देती हूँ स्वाद अनुसार, साथ में ही भून जाएगा और अच्छे से मटर भी हो जाएगा नमक डालते ही। नमक डालूंगी स्वाद अनुसार, अब अच्छे से चला के ढक दूंगी 2 मिनट के लिए और। देखिए मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अब मैं इसको मटर निकाल के देखती हूँ कि अच्छे से तो नहीं लेकिन कम से कम 70% पके होने चाहिए। थोड़ी देर और पकेगा, अभी पानी डालने पे भी थोड़ा पकेगा तो इसलिए थोड़ा सा पक जाए, अभी 50% पका है। दो मिनट के लिए और ढकूंगी। 2 मिनट हो चुके हैं, देखिए अच्छे से मसाले हमारे पक चुके हैं। अब इसमें मैं डालूंगी ये जो मसालों का पानी बचा हुआ था, वो और जार को इस तरीके से मैंने पानी डाल दिया। आप जितना गाढ़ा पतला करना चाहते हैं उतना पानी, थोड़ी पानी और मैं डालूंगी। मखाना भी अब जो अब करेगा इसलिए थोड़ा पानी और मैं डालूंगी। अब मैं इसको ढक के उबाल आने तक पका लेती हूँ। आपको जितना ग्रेवी बनानी है उतना आप बना सकते हैं। मैं अच्छे से बॉयल आ गया है सब्जी, ग्रेवी भी हमारी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें मैं डालूंगी मखाने। मखाने हमने अच्छे से चेक कर लिया था, आपको दिखाया था। मखाने डालेंगे और अब इसी में डालेंगे मैं जो काजू की पेस्ट बनाई हूँ वो डालूंगी। हेल्दी रेसिपी आप एक बार जरूर बना के देखिएगा। ज्यादा इसको पकाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे कसूरी मेथी, खुशबू और स्वाद के लिए हल्का सा। देखिए कसूरी मेथी को मैं क्रश करके डालूंगी इस तरीके से, इससे अच्छे से खुशबू आएगा। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी, सिर्फ 2 मिनट के लिए।
2 मिनट हो चुके हैं, सब्जी में बड़ी अच्छी खुशबू आने लगी है। देखिए अब इसमें गैस ऑफ कर देंगे। गैस ऑफ कर देंगे और इसमें हरी धनिया डाल के शुरू करेंगे। कैसी लगी मेरी रेसिपी, पसंद आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, फ्री में है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी मेरी रेसिपी, पसंद आए। देखिए बिल्कुल हमने निकाल के तैयार कर लिया है, कितना टेस्टी है, कितना देखने में लजीज लग रहा है ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, रेस्टोरेंट से भी हेल्दी है सब्जी। आप ज़रूर बनाइए घर पे, और पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, है ना बिल्कुल। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, उतना ही टेस्टी है, उतना ही हेल्दी है। अब भी बनाइए, खाइए।